हेलो गाइस, मैं हूँ छंदा। मेरे किचन में आप लोग का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मुगलई परोठा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगलई परोठा बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है और लिए है मैंने अंडे 3 पीस। मसाले में लिए मैंने 2 प्याज को बारी बारी काट लिए हैं और लिए हरी मिर्च को भी काट लिए। नमक लिया है स्वाद अनुसार और लिए है मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट और लिए है मैंने बिस्कुट का डस्ट, जिसको हम मुगलई का मसाला बनाएंगे। और लिया है तेल मुगलई को फ्राई करने के लिए। तो मैदा को हम डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने मैदा में लिया है नमक स्वाद अनुसार। अब लेंगे तेल 3 चम्मच। तेल मैंने डाल दिए। अब मैदा और तेल को अच्छे से मिला लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी देके इसका डो बनाएंगे। जैसे परोठा का डो बनता है इसी तरह। तो डो मेरा रेडी हो गया है। अब डो के ऊपर थोड़ा तेल लगा के 20 मिनट के लिए रेस्ट पर हम छोड़ देंगे। और मसाला बनाने के लिए मैंने पैन गरम कर लिया है। तेल ले दिया है 2 चम्मच और दिए है मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट को थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गए हैं। अब डालेंगे बिस्कुट का डस्ट। हम इसे लो फ्लेम में पका रहे हैं। मसाले के साथ बिस्कुट का डस्ट को हम इसे मिला रहे थे। इसमें पानी भी नहीं देंगे। तो मसाले मेरा रेडी हो गया है। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब मैं अंडा को फोड़ लेती हूँ। अंडा मैंने फोड़ लिया है। अब इसमें नमक देंगे स्वाद अनुसार। अच्छे से मिला के इसको रख देंगे। तो 20 मिनट हो गया है। अब डो को थोड़ा स्मूथ बना लेती हूँ। इसको लुइया बना लेते हैं। अब इसको बेल लेंगे हम। इसको पतला करके ही बेलेंगे। तो बेल लिए है। अब 2 साइड को इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड मैंने कर दिए है और इसके ऊपर डालेंगे हम मसाले। अब डालेंगे घुले हुए अंडे। अब देंगे कटे हुए हरी मिर्च, कटे हुए प्याज। अब इस साइड को भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। 2 साइड में इस तरह से चिपका देंगे ताकि मसाला बाहर ना जाए। तो हो गया है। पहले से कढ़ाई में मेरा तेल गर्म है। अब मैं परोठा को तेल में छोड़ देती हूँ। इसको हम लो से मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। एक बार पलट देते हैं।
और एक बार पलट देंगे। परोठा मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए कितना अच्छे से फ्राई हो गया है, और एक ठोक करके आप लोग को दिखाती हूँ। सेम प्रोसेस में ही करेंगे। आप लोग भी एक बार घर में बना के जरूर ट्राई करिए, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो रेडी हो गया मेरा मुगलाई परोठा।